Hi, welcome to Bhavin Online Classes. In the chapter Living World, we will discuss about taxonomic hierarchy. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के करेक्टर सिमिलर होते हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं और जिनके उनसे डिफरेंट होते हैं उसके लिए नया ग्रुप क्रिएट कर देते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और उनके लिए ग्रुप क्रिएट करना, इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स. जिनके सिमिलर करेक्टर होंगे उनका एक ग्रुप बना देंगे और जो उनको उनका उनसे डिफरेंट होगा उसके लिए दूसरा ग्रुप बना देंगे. इसलिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है. तो एक्चुअली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को बताया था कैरोलस लीनियस ने. कैरोलस लीनियस ने 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी थी: क्लास, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी. तो बाद में वैरायटी को डिलीट कर दिया गया और बायोलॉजिस्ट ने 3 नई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताई: किंगडम, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट एंड फैमिली. तो टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है, 7 मेन कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है. अब क्या होता है कि जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है इनको क्लासिफिकेशन में एक डेफिनेट सीक्वेंस और डेफिनेट पैटर्न में यूज किया जाता है कि भाई पहले ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा. इस तरीके से एक डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट सीक्वेंस होती है इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को. उसी सीक्वेंस और उसी पैटर्न को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं. अब क्या होता है, जैसे वो ग्रुपिंग कैसे करते हैं? ग्रुपिंग ऐसे समझते हैं, अगर हमने कोई करेक्टर लिया, एक करेक्टर लिया कि जिनके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, और ज्वाइंटेड लेग्स संख्या अगर 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा कर लेते हैं, एग्रीगेट कर लेते हैं. एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं जिनमें क्या होता है, ज्वाइंटेड लैग होते हैं और उनकी संख्या 3 पेयर होती है, और उसको हम नाम दे देते हैं भाई कि ऐसा किसमें होता है, इंसेक्ट्स में होता है. तो हमने पहले क्या किया, हमने करेक्टर को डिफाइन किया, करेक्टर देखा और उस करेक्टर के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग की, ऑर्गेनिज्म की, और उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया इंसेक्ट. ये भी एक कैटेगरी है. और सेम तरीके से हम प्लांट्स में भी ग्रुपिंग करते हैं. कैसे प्लांट में हम करते हैं, जैसे सीड, एक करेक्टर लिया हमने, करेक्टर लिया सीड. अब होता है नेक्ड सीड और कवर्ड सीड. कवर्ड का मतलब है कि सीड प्रेजेंट इनसाइड ओवरी या फ्रूट. नेकेड का मतलब सीड इज नॉट प्रेजेंट, सीड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. अब क्या करेंगे, ये करेक्टर है जिनमें नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, हम उन प्लांट्स का एग्रीगेशन कर लेंगे. एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स, एग्रीगेशन कर लेंगे उन प्लांट्स का जिनमें नेक्स्ट सीड प्रेजेंट होता है, और उस और हमें पता है कि उसको हम नाम दे देंगे जिम्नोस्पर्म. हमने एक करेक्टर डिसाइड किया, फिर उस करेक्टर के बेसिस पे, सिमिलरिटी के बेसिस पे हमने एग्रीगेशन किया. एग्रीगेशन के बाद हमने उसको, उस ग्रुप को नाम दे दिया जिम्नोस्पर्म. अब हम देखते हैं कवर्ड सीड, इसमें सीड फ्रूट में प्रेजेंट होता है, और इस करेक्टर के बेसिस पे हमने एग्रीगेट किया प्लांट्स को, एग्रीगेशन ऑफ प्लांट किया. और हमें पता है कि ये करेक्टर है, और इस करेक्टर के बेसिस पे जो एग्रीगेशन ऑफ प्लांट किए, जिन जिन में सीड ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया एंजियोस्पर्म. इस तरीके से हमने ग्रुपिंग कर ली, सिमिलर करेक्टर के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग कर ली, और ये जो ग्रुप्स बने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन्हें ही हम
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। अब देखो टैक्सोन और कैटेगरी में क्या अंतर होता है। टैक्सोन तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को इंडिकेट करता है, और कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी एक पर्टिकुलर रैंक और लेवल होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये है कैटेगरी और ये है टैक्सोन। अब एक एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी ये एक लेवल है, ये किस लेवल का, ये डिवीजन है प्लांट में, एक डिवीजन है। अब एंजियोस्पर्मी में वो प्लांट प्रेजेंट होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, प्लांट सोइंग फ्लावरिंग। फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मी एक कैटेगरी है जिसमें वो प्लांट प्रेजेंट होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं। ये जो कैटेगरी है ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड होती है, आर्टिफिशियल होती है ये। ये हमने अपने क्लासिफिकेशन को इजी करने के लिए, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये बनाई हुई है एंजियोस्पर्म, और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं इस कैटेगरी में। तो बेसिकली और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस कैटेगरी में प्रेजेंट होते हैं वो एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली टैक्सोन क्या हुआ, टैक्सोन हुआ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर कैटेगरी, ग्रुप ऑफ। तो टैक्सोन क्या हुआ, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर कैटेगरी। सिमिलरली हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं एनिमल का, हम लेते हैं कैटेगरी लेते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्टा। ये इसका डिवीजन क्या है, क्लास। और इसमें क्या होता है, इंसेक्टा में थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिसमें थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन, और ये होती है मैनमेड और आर्टिफिशियल होती कैटेगरी। थ्री पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में, तो ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्टा क्लास में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक लेवल है, ये रैंक है जिसमें लिविंग और इंडिविजुअल और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन होता है ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर कैटेगरी। तो ये थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी प्रेजेंट होती है, एक होती है ओब्लिगेट, दूसरी होती है इंटरमीडिएट, तीसरी होती है इंट्रा स्पेसिफिक। तो अब हम पढ़ते हैं ओब्लिगेट कैटेगरी। ओब्लिगेट कैटेगरी क्या होती है, ओब्लिगेट कैटेगरी वो होती है जो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है, जो हमेशा हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है उसको ओब्लिगेट कैटेगरी कहते हैं। तो देर आर सेवन डिफरेंट ओब्लिगेट कैटेगरी, उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कीप, पोट, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कीप फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम इन एनिमल एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर
स्पीसीज। ये सेवन डिफरेंट ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है। ये हाईएस्ट लेवल होता है, ये लोवेस्ट लेवल होता है। अगर इन सबके बीच में जैसे सब क्लास, सब फैमिली, इस तरीके की जो कैटेगरी होती है उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। इंटरमीडिएट कैटेगरी बोलते हैं। और जो स्पीसीज से नीचे, सब स्पीसीज इन केस ऑफ एनिमल एंड वैरायटी इन केस ऑफ प्लांट, उनको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। तो ये थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी थी, जिसमें सेवन कैटेगरी होती है, सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है, जिसको हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीसीज। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, सिमिलरिटी, कॉमन करैक्टर कम होते जाते हैं, सिमिलरिटी डिक्रीज होती जाती है, कॉमन करैक्टर डिक्रीज होते चले जाते हैं, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं। तो और सबसे ज्यादा कॉमन करैक्टर स्पीसीज में मिलते हैं, और स्पीसीज सबसे छोटा है, सबसे लोवेस्ट है, सबसे छोटा है, तो स्पीसीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज में कम होते हैं, और हाईएस्ट लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनिज्म की संख्या हाईएस्ट लेवल पे ज्यादा होती है और लोएस्ट लेवल पे ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होती है, बट कॉमन करैक्टर हाईएस्ट लेवल पे कम होते हैं और लोएस्ट लेवल पे ज्यादा होते हैं। अब मोस्ट एडवांस स्पीसीज कॉन्सेप्ट तो दिया था हंस मेयर ने, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्पीसीज क्या होते हैं, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल जो इंटरब्रिड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर भी सिमिलर होते हैं, एनाटॉमिकल करैक्टर भी सिमिलर होते हैं, साइटोलॉजिकल करैक्टर भी सिमिलर होते हैं, वो स्पीसीज होती है। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ प्लांट क्या होता है, जैसे कि पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल, इनमें कॉमन करैक्टर क्या है कि ये बेरी फ्रूट है, इनका फ्रूट है वो बेरी फ्रूट है। अब तीनों के साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका क्या है, इसका है सोलेनम नाइग्रम और इसका है सोलेनम ब्रिंजल का है सोलेनम मेलोगेंस। तो अब देखो इनका, ये तीन प्लांट स्पीसीज है और तीनों में एक कॉमन करैक्टर है बेरी फ्रूट, और इनके साइंटिफिक ने ये हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और मेलोगेंस। तो अब क्या है कि इसमें, और इसमें जीनस क्या हुआ, अगर साइंटिफिक नेम है ये तो जेनरिक नेम हुआ और ये स्पीसीज एपिथेट हुआ, तो इनका साइंटिफिक नेम में क्या चीज कॉमन है कि इन तीनों का जीनस एक है। तो व्हाट इज द जीनस, जीनस इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो इन तीनों का जो कॉमन ग्रुप, कॉमन जीनस है वो क्या है, सोलेनम। अगर हम एनिमल के केस में देखें तो ऐसे देखते हैं हम टाइगर, लायन एंड लियोपार्ड, ये तीनों इनके क्लास होते हैं, कार्निवोर होते हैं और ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम है पेंथेरा, टाइग्रिस, पेंथेरा लियो, लियो इसका क्या है,
पैंथेरा पार्डस। इन तीनों का जीनस कॉमन है। तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। पैंथेरा टाइगर का भी है, लायन का भी है और लियोपार्ड का भी है। तो इन तीनों का जीनस क्या है? पैंथेरा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये जीनस है टाइगर लायन को हमने देख लिया, इनका जीनस है पैंथेरा। ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इसमें कैट को देखेंगे तो कैट का नाम होता है साइंटिफिक नेम फेलियस कैटस। तो इसका जीनस क्या हुआ? फेलियस। तो पैंथेरा एंड फेलियस, इसमें कॉमन करेक्टर क्या है कि ये कैट फैमिली है। इनके कार्निवोर होते हैं, क्लास और कैनाइन सेम होते हैं। तो मोर और लेस ये छोटी कैट होती है और ये बड़ी कैट होती है। तो ये फेलिडी फैमिली से बिलोंग करेंगे। अगर हम टाइगर लायन और कैट, इनके साथ हम अगर हम डॉग को और ले लें तो ये सारे मिलके क्या होंगे? कार्निवोर होंगे। तो कार्निवोर होंगे तो डॉग की फैमिली क्या है? कैनेडी, CANIDA। और इनमें सिमिलर करेक्टर क्या है कि भाई ये कार्निवोर होते हैं और इनके कैनाइन सेम होते हैं। तो ये फैमिली यहां जाके देगी ऑर्डर। और वो ऑर्डर कौन सा क्रिएट होगा? इसको हम ऐसे लेते हैं, हमने तीन स्पीसीज ली थी, लायन की, लियोपार्ड की और टाइगर की। उनके साइंटिफिक नेम थे पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस। तो पैंथेरा उनका कॉमन जीनस था। अब हम उसको अगर हम इन तीनों को कैट से कंपेयर किए तो उनके कुछ करेक्टर तो सिमिलर होते हैं, कैट के, लायन के और टाइगर के एंड लियोपार्ड के। तो कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं इसलिए उनके कुछ करेक्टर सिमिलर होते हैं। तो कैट का साइंटिफिक नेम है फेलियस कैटस। तो फेलियस और पैंथेरा दोनों, फेलियस और पैंथेरा जीनस किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? फेलिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और फेलिडी फैमिली और कैनेडी फैमिली अगर अगर इन सबको हम डॉग से करें तो हमें पता है कि भाई ये और ये कार्निवोर होते हैं सारे। तो ये इनके कुछ करेक्टर तो सिमिलर होते हैं। तो फेलिडी और कैनेडी मिलकर किस ऑर्डर को बिलोंग करेगी? कार्निवोर ऑर्डर को बिलोंग करेगी। अगर हम लायन टाइगर कैट डॉग को मैन और मंकी के साथ, इनमें क्या कॉमन करेक्टर है? मेमरी ग्लैंड। इनकी बॉडी पे मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इनका ऑर्डर है कार्निवोर और इनका ऑर्डर है प्राइमेटा। और एक और ऑर्डर अगर हम ले ले काइरेप्टेरा, तो ये तीनों ऑर्डर मिलके 1, 2 एंड 3 किसको बिलोंग करेंगे? कौन सी क्लास को बिलोंग करेंगे? मैमिलिया। मैमिलिया क्लास क्या होगी? मैमिलिया। और हम मैमिलिया क्लास को ले लें किसके साथ? इसमें हम डाल लें एप्स, एम्फीबिया। तो ये किस फाइलम को बिलोंग करेंगे? ये फाइलम को बिलोंग करेंगे किसको? कोर्डेटा। तो फाइलम क्या है? कोर्डेटा। और अगर इसमें हम कोर्डेटा इनवर्टिब्रेट्स, कोर्डेटा इकाइनोडर्मेटा, आर्थोफोडा, इन सब फाइलम को ले ले तो हम ये किस किंगडम से बिलोंग करेंगे? एनिमिलिया। तो ये यहां से हम स्टार्ट हुआ है स्पीसीज से, टाइटेकस, पैंथेरा, फेलिडी, कार्निवोरा, मैमिलिया, कोर्डेटा एंड एलिमिलिया। ये हाईएस्ट रैंकिंग होती है, किंगडम है, और ये लोवेस्ट रैंकिंग होती है।